मऊ जिले के सदर विधायक मुख्तार अंसारी के कई प्रार्थना पत्रों पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राम अवतार ने गुरुवार को सुनवाई कि इन पत्रों में मुख्तार को जेल में सुविधा दिए जाने, दक्षिण टोला थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले को MP MLA कोर्ट में स्थानांतरित करने और मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराए जाने की मांग शामिल है। विशेष न्यायाधीश ने चारों प्रार्थना पत्रों पर मुख्तार के अधिवक्ता दरोगा सिंह और विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना। इसके बाद मेडिकल बोर्ड का गठन कर जांच कराए जाने और जेल में भोजन TV उपलब्ध कराए जाने के कुल 2 मामले में निर्णय के लिए 25 जून की तिथि नियत की गई है। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के में दर्ज गैंगस्टर के मामले में आरोपी मुख्तार इस समय बांदा जेल में बंद है। मुख्तार के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि मुख्तार न्यायिक अभिरक्षा में बांदा की जेल में बंद है। जेल मैनुअल के अनुसार जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मापदंड बनाया जाता है उसके अनुसार मुख्तार पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार है, क्योंकि मुख्तार विचाराधीन बंदी है, सीनियर सिटीजन और ग्रेजुएट भी है, साथ ही आयकरदाता है। इसके साथ ही पिछले 25 वर्षों से UP विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की हैसियत से लाखों जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार को उच्च श्रेणी का बंदी घोषित करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया जाए कि मुख्तार को उच्चतर श्रेणी की सुविधा प्रदान करे। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाए और उन्हें जेल में TV उपलब्ध कराई जाए। इस पर जेल से आख्या मांगी गई थी, लेकिन बांदा जेल से आख्या नहीं आ सकी। इसके अलावा विशेष लोक अभियोजन ने प्रार्थना पत्र देकर गैंगस्टर एक्ट का मामला MP MLA कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। देखिए, सही स्थिति तो यह है कि माननीय मुख्तार अंसारी साहब का नो ऑफेंस की केस थी। यह लगातार करीब 25 साल से हमारे सदर विधानसभा के विधायक हैं और लगातार हैं, और इनका परिवार ही जो है राजनीतिक भी है और शुद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहा है। यह इन लोगों का गरीब प्रवर होने का इतिहास भी है। इनके भाई गाजीपुर से MP हैं, जो भाजपा के बड़े ही प्रिय नेता माननीय मनोज सिन्हा जी को 2.25 लाख वोटों से हराया है, और इनके खिलाफ मात्र इनको राजनीतिक विद्वेष की वजह से नो ऑफेंस के केस में अभियुक्त बना दिया गया था। इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 4 2020 धारा 419, 420, 67, 68, 471 IPC व 30 आयुध अधिनियम में इनको अभियुक्त बनाया गया था, जबकि इनका मात्र आरोप इतना ही था कि इन्होंने अपने लेटर पैड पर जिन लोगों का शस्त्र बना था उनकी सिफारिश किए थे कि माननीय DM साहब, इन लोगों की फाइलें आपके यहाँ जा चुकी हैं, आप इनका शस्त्र लाइसेंस निर्गत कर देंगे, बड़ी कृपा होगी। अब तो ये DM साहब की विवेक का प्रश्न था कि लाइसेंस निर्गत करते नहीं करते, और इन DM साहब के ही लोगों द्वारा, DM साहब के ही कर्मचारियों द्वारा, तत्कालीन थानाध्यक्ष JK सिंह, तत्कालीन लेखपाल कैलाश सिंह द्वारा उनके पत्र को वेरीफाई किया गया था, उनको शस्त्र बनाने की संस्तुति की गई थी, उसके बाद COCT साहब ने संस्तुति किया था, एडिशनल SP साहब ने संस्तुति किया था, SP साहब की संस्तुति के बाद DM साहब ने वह लाइसेंस जारी किया था। इसमें माननीय मुख्तार अंसारी साहब का कोई दोष नहीं है। नो ऑफेंस के केस को पाते हुए और सब युद्धगण जिन्होंने इनके लाइसेंस निर्गत कराने में पता सत्यापन किया था, लाइसेंस की संस्तुति किया था, उनकी जमानत हो गई थी। उस आधार पर माननीय मुख्तार अंसारी जो सदर विधायक हैं, इनको 1 लाख की जमानत पर छोड़ने का आदेश सत्र न्यायालय मऊ द्वारा दिया गया है। सरकारी पक्ष के वकील ने क्या इसके पक्ष में सरकारी वकील के पक्ष के बारे में तो मैं बहुत कुछ आपसे नहीं बता सकता, क्योंकि वो उनके पार्ट की बात है, लेकिन उन्होंने 41 मुकदमों का आपराधिक इतिहास दिया और यह कहा कि साहब इनका आपराधिक इतिहास है और इन्होंने जो है शस्त्र बनवाने में गलत पते पर इन्होंने सहयोग किया। माननीय जिसका मैंने काउंटर किया कि साहब 41 मुकदमे जो हैं उसमें से मैक्सिमम मुकदमे जो हैं जो दोष मुक्त हो चुके हैं जिसमें वो दोष मुक्त हो चुके हैं, तथा कुछ में FIR लग गया है, कुछ मुकदमे अस्पंज हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट
की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश ने यह कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ विल बी गाइडेड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ द FIR नॉट बाय द पर्सनालिटी फेमस आर नोटोरियस। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमानत 1,00,000 की दो उस पर स्थगित कर दिया। कल उन्होंने अपने वकील से और अपने परिजनों से बात करने की गुहार माननीय न्यायालय से लगाई थी। हाँ। इस पे माननीय न्यायालय ने उन्हें वहाँ के संबंधित जो जेल सुपर वहाँ पे उन्हें आदेश दिया था। बिल्कुल। इस पे क्या कार्रवाई? इस पे कार्रवाई यह हुई कि ID मेल से माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजम महोदय द्वारा जेल सुपरिटेंडेंट बादा को भेजा गया है। उम्मीद है कि मिल भी गया होगा और उन्होंने स्पष्ट किया कि जेल मैनुअल के मुताबिक माननीय मुख्तार अंसारी को जो भी सुविधाएं उपलब्ध करानी हो उपलब्ध कराएं और इनके परिजनों से तथा इनके अधिवक्ता से मिलने का पूरा छूट दें विधिक राय के लिए। इस जमानत के मिलने के बाद अब मुख्तार अंसारी जी के क्या मऊ आने की इस मामले में फिर जरूरत पड़ेगी? इस मुकदमे में अब माननीय मुख्तार अंसारी साहब के मऊ आने में कोई ज़रूरत नहीं है। क्या माना जाए कि जिस तरह से ये मुकदमे आप उनके पक्ष में छूटा है जितने मऊ और अन्य मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं, क्या आपको विश्वास है कि क्या उन मुकदमों में उन्हें उसी तरह जमानत मिलती चली जाएगी? देखिए, अब हम पहले से तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन जो और जिन मामलों में मैं अधिवक्ता हूँ, जितना पत्रालियों का मैंने अपना गहन परीक्षण किया है, जितना मेरी समझ है, उसके मुताबिक उनके विरुद्ध जो भी मुकदमे इस समय मऊ में लगाए गए वह नो ऑफेंस के हैं, उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता, क्योंकि इसी आधार पर एक गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया। बताइए, एक व्यक्ति के खिलाफ एक गैंगस्टर का मुकदमा लगाया जाना चाहिए, सात सात गैंगस्टर के मुकदमे लगा दिए गए, हर मुकदमे पर एक गैंगस्टर का मुकदमा, जो कि यह कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 24 के खिलाफ है।